उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूड़ी जी को हराने का प्रयास किया था। 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। भागलपुर में तो आज नामांकन है, नामांकन के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट हाँ उसके बाद फिर हम लोग वहीं से जमुई जाएंगे। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पर रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की पूरी तैयारी का जायजा लिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी चुनावी मैदान में उतरी है। आज रोहिणी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, बात भी कर रही है, कह रही है राजीव प्रताप के रूढ़ी के रास्ते में रोड़ा बन के ही रहूंगी। उससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार हैं। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। ऐसे में ये संदेश बिहार की जनता तक पहुंच रहा है कि एनडीए एक तरफ जहां मजबूती से चुनाव प्रचार में जुट गया है, तो वहीं अभी तक सीट प्रत्याशी के विवाद में ही महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी बोले वो उलझा हुआ है। 400 पार की बात कर रहे हैं आप, 400 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मैच फिक्स ऑलरेडी हो चुका है। 400 पार एनडीए गठबंधन करेगा, ये विश्वास मोदी की गारंटी से आता है। बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार है, उसके साथ हम लोग का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। ये 40 की 40 सीटें बिहार में जिताएंगे।